जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखियो। मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूं। इस रिश्ते को और अपने आप को एक मौका देने के लिए तैयार हूं। अनु, अनु, तुम ठीक तो हो ना? ए जी जी रे मैं ठीक हूं, आपकी वजह से। पर आपकी यह हालत है मेरी वजह से। आप आराम कीजिए। मुझे क्या हुआ है? भला चंगा तो हूं मैं। आप आराम कीजिए। मिस्टर शाह, डॉक्टर, डॉक्टर। अनु क्या? थैंक गॉड से होश आ गया। मैं डॉक्टर को अभी बुला के लेके आता हूँ। डॉक्टर साहब, लेट मी चेक। अब ये पूरी तरह से ठीक है, लेकिन थोड़ी देर के लिए हमें इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। हॉस्पिटल चले, पहले चाय पी। अरे चिंता क्यों कर रहा है? वनराज का मैसेज आया था ना कि अनुज अब ठीक है और शायद अब ऑपरेशन करना भी ना पड़े। वनराज का ही फोन है। जय श्री कृष्ण बापूजी। जय श्री कृष्ण काका। जीती रहे बेटी। देखिए ना, अनुज को होश आ गया। डॉक्टर ने कहा है अब घबराने की कोई बात नहीं है, अनुज खतरे से बाहर है। शुक्र है भगवान का। जी बापूजी, बस यही बताने के लिए फोन किया था, बाकी मैं घर आके बात करता हूँ। वाह,
just fine. लीला बहन, ये सब आपकी प्रार्थना का असर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रात पर जाके आपने मेरे बेटे के लिए प्रार्थना की। लो, कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरा भी तो बच्चा है। आप लोग सब नहीं होते तो मैं अकेला पता नहीं क्या करता, कैसे करता। थैंक यू सो मच, थैंक यू इस मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच। तो इस खुशी में जलेबी रबड़ी हो जाए? अरे आज तो मैं जी भर के खाऊंगा। हाँ? अरे शुगर लेवल बढ़ जाएगा बुड्ढे। आज मैं इतना खुश हूँ कि शुगर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बापूजी, मैं अभी लेकर आता हूँ और मैं नंदू और स्वीटी को एक गुड न्यूज दे देता हूँ। हाँ, okay? तुम दोनों को ले आओ और आज हम साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करेंगे। ये चलिए, अब आप भी जल्दी से चल के फ्रेशन अप हो जाइए। किंजू बेबी, हाँ। जा तू जल्दी से सबके लिए चाय चढ़ा दे। जी बा। अनुज को तो अनुपमा संभाल लेती, लेकिन अनुपमा को संभालने वाला भी कोई चाहिए था, क्योंकि इंसान खुद तो दर्द सह लेता है, लेकिन किसी अपने को दर्द में देख नहीं सकता। मैं आज बहुत खुश हूं कि हमारे बेटे ने अनुज और अनुपमा दोनों को संभाल लिया। मैं भी खुश हूं, आज आपने तेरा बेटा नहीं हमारा बेटा का। अनुपमा, मैं घर जा रहा हूं, मेरी एक जरूरी मीटिंग है, मैं वो फिनिश करके दोपहर तक आता हूं। और समर के हाथ तुम्हारे लिए कपड़े और खाना भिजवा दूंगा। थैंक यू। जल्दी से ठीक हो जाओ, फिर पंजा लड़ाएंगे। इस बार मैं जीतूंगा। तू वैसे ही जीत गया यार। क्या कहा तुमने? मैंने कहा इन योर ड्रीम्स। देखेंगे। हाँ, देखते हैं। आता हूं। मैंने जो तुमसे कहा और तुमने खुद से कहा वो इससे कह देना, सही वक्त का इंतजार मत करना, क्योंकि सही वक्त अब है। पुलिस ने उन गुंडों को पकड़ लिया है, तो वो सारा सामान मिल गया, आपका फोन मिल गया, समर ने इंचार्ज कर दिया। उन लड़कों को तो मैं, उन्होंने उन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई है। आप शांत हो जाइए ना, पुलिस है, उन्हें देख लेगी। आप आराम कीजिए। मैं फनी लग रहा हूँ ना, मैं सुबह हो गई है, मैंने बाल भी नहीं सेट किए।
आई लव यू अनुपमा। तुमने अनुपमा का हाथ पकड़ा कैसे? मेरे नाम को पहचानते थे। थैंक यू। हर पांव की किस्मत में घुंघरू होना हो, हर घुंघरू की किस्मत में पांव जरूर होने चाहिए। औरत को किसी सेवियर की जरूरत नहीं, वो अपनी किस्मत खुद बदलेगी। कुछ कहना चाहती हूं? दिल में जो भी बात है अनुपमा, वो मुझसे कह सकती हो। अनु सब कैसा है? जी बापू जी ठीक है, खतरे से बाहर है, पर वो डॉक्टर ने ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए कहा है। चलो अच्छा है, शुक्र है भगवान का कि अनु की जान बच गई। जी मुझे 9 बजे मीटिंग में जाना था, इसलिए मैं आ गया वापस। काका चाहे तो जा सकते हैं। जी जी फ्रेश होने गया है, मैं बोल दूंगा उसे। ठीक है, तो समर ले जाएगा काका को, और किंजल बेटा तुम मम्मी के लिए थोड़े कपड़े और खाना बना के रेडी कर दो। जी पापा, मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। तब तक मैं मम्मी के घर से कपड़े ले आता हूँ। कुछ कहना है? कुछ बताना है बापूजी। आज अरसे बाद मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूं। कल अनुज के एक्सीडेंट के बाद अनुपमा को देख के मुझे ऐसा लगा कि उसके दिल में अनुज के लिए कुछ है, दोस्ती और इज्जत के अलावा भी कुछ और, जो शायद उसे पता नहीं था, पर मैंने कह दिया। और मैंने उससे यह भी कह दिया कि इसमें कुछ गलत नहीं है, उसे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हक है, और अगर वो आगे बढ़ने का रास्ता अनुज की तरफ जाता है तो क्यों नहीं। पता नहीं आप सब क्या सोचेंगे, पर मुझे जो समझ में आया, जो सही लगा, वो मैंने कह दिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू। तूने जो कुछ भी किया बिल्कुल बिल्कुल सही किया, क्योंकि तेरे इस कदम से एक नहीं बल्कि बहुत सारे रिश्ते सुलझ जाएंगे। अनुपमा के लिए भी अच्छा है और तेरे लिए भी। जी बाबा जी, शायद इसीलिए मुझे इतना हल्का महसूस हो रहा है। मैं फ्रेश हो गया था बाबू जी। हेलो, ए हाय मालविका, क्या हुआ? मैं मरने वाला हूं क्या? चुप हो जाइए, कुछ भी कहते रहते पागल हो गए क्या? अभी अभी मौत के मुंह से निकले हैं। और अभी वो फिल्मों में अक्सर लोग हॉस्पिटल सीन्स में ऐसी बातें करते हैं कि आपके पास 2-3 महीने बचे। चुप कीजिए, ये फिल्म है। हाँ तो फिर ये बात कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी कहिए। सॉरी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर ने कहा है अब कोई खतरा नहीं। ये आप दोनों अनु अनुज की क्या बातें कर रहे थे? मैंने सही से सुना नहीं, सब ठीक है ना? लीला को तो उनकी दोस्ती स्वीकार करने में भी समय लगा था, अब एकदम से कैसे बता दूं कि अनुपमा अनुज के बीच जो है वो दोस्ती से ज्यादा है। नहीं मैम, बस ऐसे वो वनराज बता रहा था कि अनुज की तबीयत अब ठीक है।
बात कुछ और है। क्या बात है? वो मैं कल रात मैं कुछ कह रही थी, कहो। मैं? हाँ तुम। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।